हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ठीक है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो ट्रू फॉल्स का होगा और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है गूगल इज नॉट अ सर्च इंजन, ये आंसर फॉल्स होगा क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। फैक्स मशीन इज यूज्ड टू सेंड ईमेल, नो, ईमेल को हम सेंड करने के लिए फैक्स मशीन का यूज नहीं करते, फॉल्स होगा। टाइटल एंड हेडर्स आर एग्जैक्टली सेम, इसका आंसर होगा फॉल्स। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये ट्रू है। इंसर्ट की कैन बी यूज टू पेस्ट मल्टीपल आइटम्स, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। MS Word is a application software, true. Character printer is a noisy printer, true. WAN stands for Word Area Network, false. CRT is an old and almost outdated display screen, true. Network is capable of sharing software and hardware resources between many users, true. आपको next option आएगा MCQ, चार option दिए गए होंगे, आपको एक select करना है। फर्स्ट है विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसका आंसर है LED। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, अब देखो बोल्ड इटैलिक सबस्क्रिप्ट सब फॉन्ट होता है तो रेगुलर इसका आंसर होगा। इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, सो इंटरनेट एक टाइप का वैन नेटवर्क है। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस, तो स्पीकर इसमें आउटपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड, ऑन एवरी पेज, राइट। और विच डिवाइस इज यूज टू सेंट्रली कनेक्टेड वेरियस लैंस, इसका आंसर होगा स्विच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ISP, ISP बेसिकली एक कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इनमें से जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी वो है BSNL। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप Alt F4 का यूज करोगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS Word सॉफ्टवेयर, तो वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड एंड MS Word, ये सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। सो इसका आंसर होगा ऑल दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फैक्स मशीन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको मतलब दो क्वेश्चन दो दो नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। सो यूजेस ऑफ फैक्स मशीन, फैक्स मशीन में जनरली क्या होता है कि जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं ना, तो प्रिंट आउट हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे प्रिंट का कमांड दिया कंप्यूटर से और प्रिंट निकल जाएगा आपके प्रिंटर से। सो फैक्स मशीन में क्या होता है कि हम यहाँ से कोई भी लेटर जो हमने बनाया अपने कंप्यूटर में वो उसको जब हम फैक्स करेंगे तो दूसरी साइड वो लेटर मतलब एक वही पेज सेम टू सेम प्रिंट होके निकल जाएगा वो दूसरे फैक्स मशीन पे, ठीक है। सो बेसिकली यही फैक्स मशीन का यूजेस है। तो आप इसको आप इस तरह से लिखोगे जब आंसर में लिखना होगा, फैक्स मशीन का उपयोग बिजनेस के लिए किया जाता है, इसके द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है। यानी जो भी लोग बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी जो भी करते हैं आप, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड करने के लिए आप फैक्स मशीन का यूज करोगे। एंड इससे बिल क्लियरिंग प्रोसेस में आसानी होती है, यानी आपका कोई बिल है या क्लियर वगैरह करवाना है तो इस तरह के काम के लिए भी आप फैक्स मशीन का यूज करोगे। और जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं और वो अपने लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे सर्कुलेट करने के लिए फैक्स मशीन का यूज करते हैं। इंग्लिश में आप इसको लिखोगे फैक्स मशीन इज यूज फॉर बिजनेस थ्रू विच डॉक्यूमेंट्स आर सेंट फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, यानी डॉक्यूमेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। दिस इजेस द बिल क्लियरिंग प्रोसेस, यानी जो बिल क्लियरिंग प्रोसेस है उसमें इसमें आसानी मिलती है इन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके। इट इज यूज टू सेंड द लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड इन द गवर्नमेंट ऑफिस टू अनदर ऑफिस, यानी गवर्नमेंट ऑफिस से जितने भी लेटर्स वगैरह इशू होते हैं उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। सेकंड व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क सिंपली क्या होता है कि जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो नेटवर्क बनाते हैं
और नेटवर्क दो टाइप से बन सकता है, या तो वाइड होगा या फिर वायरलेस। तो आप लिखोगे जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम वाइड और वायरलेस के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। जब एक बार नेटवर्क बन जाता है तो आप क्या कर सकते हो, मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हो, डाटा सेंड और ट्रांसफर कर सकते हो, और कोई आपके पास एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है या अदर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर है तो उसको आप शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे, इस दौरान यानी जब आपने नेटवर्क बनाया होता है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग, ये सब काम आप कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम्पल्स की बात करें या नेटवर्क के टाइप्स की बात करें तो पैन है, लैन है, मैन है और लास्ट में वैन आता है। और एक छोटी सी डायग्राम भी बनानी होगी तो आप इस तरह से बना सकते हो, जिसमें आप स्विच के साथ देखो कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर उसके साथ एक सर्वर है, सर्वर के साथ प्रिंटर, और नेक्स्ट राउटर लगा है और राउटर के आगे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके नेटवर्क का। इंग्लिश वाला कहाँ पे गया, एक मिनट, इंग्लिश वाला कहाँ गया, गलती से डिलीट हो गया था स्लाइड। अब उसको हम दोबारा से देखेंगे इंग्लिश में और नेटवर्क के बारे में लिखेंगे हम। व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू सम मीडियम वाइड और वायरलेस देन इट इज कॉल्ड नेटवर्क। ड्यूरिंग दिस दे डू कम्युनिकेशन विद ईच अदर, डाटा ट्रांसफर, डाटा एक्सचेंज और रिसोर्स शेयरिंग। अगर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें हम तो हमारे पास है पैन, लैन, मैन एंड देन वैन, ये डायग्राम बना देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट स्टेप टू सेव अ फाइल इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में सिंपली आपने पेंटिंग करते होगे आप अपनी लैब में, तो कोई भी फाइल को आप कैसे सेव करते हो, फाइल पे जाएंगे फिर सेव पे क्लिक करेंगे। अगर कोई फाइल फर्स्ट टाइम आप सेव कर रहे हो तब आप सेव पे क्लिक करेंगे, तब भी आपको सेव एज ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम उसको आपने सेव करना होगा, यानी ऑलरेडी उसका नाम दिया गया है, लोकेशन दी गई है, तब आप सिंपली सेव का यूज करेंगे। सो सेव एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें फाइल का नेम देना पड़ता है हमें, या उसका लोकेशन चेंज करना होता है हमें। ऑलरेडी सेव है बट फिर भी हम उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या नेम चेंज करना चाहते हैं, तब हमें सेव एज करना पड़ेगा। और सेव हम तब करते हैं जब पहले से सेव किए गए डाटा में किसी भी तरह का हम चेंज करते हैं, तब हम सेव का यूज करेंगे। सो चलो ये तो बाद की बातें हैं, फिलहाल जो आंसर आपने लिखना है उसको आप इस तरह से लिखोगे, पहले ये सुनिश्चित करेंगे आपका डॉक्यूमेंट खुला है, यानी जिसको सेव करना है उसको पहले ओपन भी तो करना पड़ेगा। फाइल टैब को आपको सर्च करना है, सबसे फ्रंट में होती है वो, उस पर क्लिक करें, देन सेव और सेव एज का ऑप्शन होगा, किसी पे आप क्लिक करें जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप सेव एज क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज वाला, उसमें आप फाइल नेम दे दोगे और जो भी लोकेशन होगा उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। और लास्ट में सेव पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इंग्लिश में आप लिखोगे मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट इज ओपन, फाइंड द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन इट, फाइल टैब को सर्च करना है फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर सेव या सेव एज पे क्लिक करना है आपको। अंडर सेव एज डिसाइड योर सेव लोकेशन, यानी जिस लोकेशन पे आपने उसको सेव करना है, सपोज आपने डी ड्राइव पे कोई फोल्डर है, जैसे डी ड्राइव पे आप जाओगे और डबल क्लिक करके फिर कोई फोल्डर है लाइक टेंथ क्लास और कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है आपने, तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो वो वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना, यानी लोकेशन को सिलेक्ट करना है, और जो भी फाइल नेम वाली फील्ड होगी वहाँ पे आपको जो भी सही लगता है आपके डॉक्यूमेंट के लिए नाम, वो नाम लिखेंगे और लास्ट में सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, ईमेल एक सिंपल टेक्स्ट होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। आप व्यक्तिगत और व्यवसायिक संबंधित संदेश और अटैचमेंट जैसे चित्र और अन्य डॉक्यूमेंट भेज या प्राप्त कर सकते हैं, यानी बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस हो या आपके पर्सनल मैसेजेस हो आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। और नॉट इवन मैसेजेस, अगर आपकी कोई अटैचमेंट है लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या
कोई भी टाइप की फाइल, पीडीएफ, पीपीटी एक्सेट्रा, तो आप उसको सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ईमेल जो है वो टीसीपी आईपी सूट का यूज करता है और उसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। लाइक जब हमें कोई फाइल ईमेल से डाउनलोड करनी होती तब हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। अब ईमेल आपको मतलब सेंड करना है या आपने कोई ईमेल रिसीव करना, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास भी अपना कोई ईमेल एड्रेस हो। इंग्लिश में आप लिखोगे ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यू कैन सेंड और रिसीव पर्सनल एंड बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस एंड अटैचमेंट लाइक पिक्चर और अदर डॉक्यूमेंट। ईमेल यूजेस मल्टीपल प्रोटोकॉल विद इन द टीसीपी आईपी सूट, यानी टीसीपी आईपी सूट के अंतर्गत ये बहुत से प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल यू मस्ट हैव योर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात करें, फर्स्ट है ये काफी फास्ट होता है। फास्ट मतलब हमारा टाइम बचाएगा, जो आपका पोस्टल मेल होता है उससे कम खर्चीला होता है, ये यूज करने में इजी है। और जैसे टेलीफोन में होता है ना कि आप टेलीफोन में किसी से बात कर रहे हो तो उसका जरूरी है कि सामने वाला भी कॉल पे हो, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब मर्जी मैसेज सेंड करो, सामने वाले की मर्जी होगी तब वो चेक करेगा, यानी जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन रहे, ठीक है। और इंग्लिश में लिखोगे इट इज वेरी फास्ट एंड सेव टाइम, लेस एक्सपेंसिव देन पोस्ट और पोस्टल मेल, इजी टू यूज। Unlike the telephone, the person communicating with each other need not to be available at the same time. यानी जरूरी नहीं कि उसको सेम टाइम पे होना चाहिए। और नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। अब देखो पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, लैन मैन वैन पूछ सकते हैं, लैन और मैन, या फिर मैन और वैन, या मतलब इन तीनों में कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको तीनों का ही मतलब छोटी सी डेफिनेशन है। देखो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फुल फॉर्म, सेकंड में हम उसका एरिया शो करेंगे कितना एरिया कवर करेगा, थर्ड में उसकी ऑनरशिप यानी उसका मालिक कौन है, और लास्ट में उसकी स्पीड के बारे में देखेंगे। तो हम तीनों के ही ऑप्शन देख लेंगे, जिस भी हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपने कर देना। सो लैन में देखो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क दैट कनेक्ट ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, यानी किसी स्मॉल रीजन के कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट करता है उसको हम लैन बोलते हैं। द ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क इज प्राइवेट, यानी इस नेटवर्क का मालिक प्राइवेट होता है। स्पीड इज हाई, और इसकी जो मतलब डाटा ट्रांसफर, डाटा रिसीव, मतलब यहाँ पे जो स्पीड होती है वो नेटवर्क की काफी फास्ट होती है। फिर मैन है फर्स्ट, जैसे लैन में लिखा था उसी तरह से यहाँ पे फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका रीजन लैन से थोड़ा बड़ा होता है, तो आप लिखोगे इट कवर्स रिलेटिव वेरी लार्ज रीजन सच एज सिटीज और टाउन, यानी ये अपने मतलब गांव और कस्बों को कवर करता है। और इसका ओनरशिप दोनों टाइप का होता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। और इसकी स्पीड जो वो मीडियम होती है, मॉडरेट, यानी ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, राइट। वैन फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, रिलेटिवली लार्ज एरिया को कवर करेगा। और ये जो कंट्रीज एक मतलब अलग अलग जो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो वो वैन नेटवर्क बनाती है, ठीक है। यानी इस नेटवर्क से हम कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, और स्पीड लो। अब देखो ये तीनों ही ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब सिंपली किनी में भी डिफरेंस कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म, सेकेंडली लैन स्मॉल एरिया कवर करेगा, अब थोड़ा और ज्यादा एरिया को बड़ा कर देंगे हम तो मैन नेटवर्क, और जब पूरी दुनिया के एरिया को हम कवर कर लेंगे तो वैन नेटवर्क बनाएगा। ऑनरशिप लैन का प्राइवेट, और मैन और वैन दोनों का पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है। लैन की सबसे फास्ट, फिर मीडियम, फिर कम, ठीक है। इसी तरह से आप हिंदी में लिखोगे फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेगा, इनका स्वामित्व निजी, स्पीड ज्यादा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ज्यादा एरिया को कवर करेगा, फॉर एग्जांपल शहर और कस्बे। ऑनरशिप निजी और पर्सनल, स्पीड मीडियम। मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया नेटवर्क बड़े इलाकों को कवर करता है, लाइक
देशों को आपस में कनेक्ट करेगा, ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट बोथ, स्पीड कम होती है इसके। नेक्स्ट है स्पीकर्स। अब देखो स्पीकर बेसिकली, अब खुद ही देखो यार आप लोग कितना मोबाइल यूज करते हो आजकल, तो आपका जो फोन का स्पीकर है किस लिए यूज करते हैं? जो भी चीज आप देख रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो आपके फोन की जो साउंड है उसको सुनने के लिए आप स्पीकर्स का यूज करते हैं। तो सिंपली ये जो स्पीकर होते हैं कंप्यूटर में, कोई भी मतलब साउंड है, लाइक ऑडियो की साउंड है या कोई वीडियो की साउंड है, गाना है, मूवी है, कुछ भी आपने देखना है, तो उस साउंड को सुनने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। तो देखो स्पीकर आर पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस यूज विद कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी एक पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज करते हैं। दे रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। ये जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड होते हैं वहां से इनपुट लेते हैं, ठीक है, और उनको साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर हम बाद में सुन सकते हैं, ठीक है। ये नहीं लिखना होगा तो इसका सेकंड डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, स्पीकर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू लिसन टू साउंड बाय कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर के हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं हम कंप्यूटर के साउंड को सुनने के लिए, और उसके लिए पहले हमें उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पीकर आर मेड टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर वेयर एज अदर स्पीकर्स कैन बी कनेक्टेड टू एनी डिवाइस। अब देखो कुछ स्पेशल स्पीकर्स होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट होते हैं, और कुछ अदर कंप्यूटर्स होते हैं, सॉरी स्पीकर्स होते हैं जो हर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक उनमें या तो यूएसबी फैसिलिटीज होगी, मतलब यूएसबी पोर्ट होगा, या फिर वाईफाई का यूज करते हैं कनेक्ट होने के लिए। हिंदी में आप लिखोगे स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। तो सिंपल है, आप सिंपली लिख सकते हो। और मतलब कुछ स्पेशल स्पीकर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि अब अलग अलग तरह के स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं जो हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर हम ब्लूटूथ का ही फीचर्स देखते हैं, ब्लूटूथ के साथ ही वो कनेक्ट हो पाते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज सुपर स्क्रिप्ट एंड व्हाट आर द स्टेप टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे टेक्स्ट नॉर्मल हैं, ठीक है, तो जो सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट होता है, सिंपल सा डिफरेंस है। एक तो जो भी सुपर और सबस्क्रिप्ट होता है उनका हाइट नॉर्मल टेक्स्ट से आधा होता है, राइट। सुपर मतलब होता है ऊपर, यानी जो टेक्स्ट सर के ऊपर होगा, जैसे एक्स स्क्वेयर, तो जो एक्स स्क्वेयर लिखा होगा तो जो ऊपर 2 है, एक्स रेज टू पावर 2 या एक्स की घात 2, तो 2 का जो साइज है वो एक्स से आधा होता है, और वो जो 2 है वो एक्स के सर के ऊपर होगा, उसको बोलेंगे हम सुपर टेक्स्ट या सुपर स्क्रिप्ट। और जो टेक्स्ट पाओ के नीचे होता है जैसे H2O, ठीक है, या CaCO3, तो जो O3, O के नीचे जो 3 है पैरों में, जो 3 है, या H2O, H के पैरों में जो 2 है, उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। और ये जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे उसकी हाइट आधी होती है। जब सर के ऊपर होगा तो सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे, और सर के नीचे होगा तो मतलब पैरों में होगा तो क्या बोलते हैं हम उसको, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट की बात हो रही है तो हम लिखेंगे सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट इज स्मॉलर देन द टेक्स्ट अराउंड इट। यानी सुपर स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट होता है उसके अगल बगल में जो भी टेक्स्ट है वो उससे क्या होता है, छोटा होता है, लगभग हाफ हाइट होती है उसकी नॉर्मल टेक्स्ट से, एंड इज रेज्ड अबव द बेस लाइन, और जो भी बेस लाइन होती है नॉर्मली उससे ऊपर उठा हुआ होता है। सेकेंडली आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट इज ए कैरेक्टर हाफ द हाइट ऑफ ए स्टैंडर्ड कैरेक्टर। यानी सुपर स्क्रिप्ट एक ऐसा कैरेक्टर, और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड होते हैं जिनकी हाइट नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेक्स्ट से आधी होती है, एंड प्रिंटेड हायर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। यानी बाकी जो टेक्स्ट होते हैं उसकी हाइट उससे कुछ उठी हुई होती है। अब उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 60th September, तो यहाँ पे देखो 1, 6 और सेप्टेम्बर एक ही लाइन में सारे, सबकी हाइट बराबर है, बट अगर आप TH को देखोगे तो इसकी हाइट इस इन सारे टेक्स्ट सेप्टेम्बर या 16 से हाफ है और ऊपर उठे हुए हैं ये, ठीक है।
360 डिग्री। तो देखो ये मतलब दो बार जीरो लिखी है लास्ट में, पर जब मैंने उसको सुपर स्क्रिप्ट किया तो क्या हो गया, जो लास्ट वाली जीरो ही उसकी हाइट आधी हो गई, और सेकेंडली थोड़ी मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट का हाइट है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और फोर स्क्वायर। तो ये भी देख लो आप। तो हिंदी में आप लिखोगे सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट अपने चारों ओर के टेक्स्ट से छोटा होता है और बेस लाइन से ऊपर उठाया जाता है, या फिर सुपर स्क्रिप्टेड एक कैरेक्टर है जिसकी हाइट स्टैंडर्ड कैरेक्टर की हाइट से आधी होती है और बाकी टेक्स्ट की तुलना में ये थोड़ा ऊपर प्रिंटेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिख दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बनाते कैसे हैं। यहां तो सुपर स्क्रिप्ट पूछा है, बट मैं तुम लोगों को दोनों ही बता दूंगा। दोनों ही स्टेप में हम एक लाइन लिखते हैं, जैसे सिलेक्ट द टेक्स्ट और नंबर दैट यू वांट, यानी जिसको सबस्क्रिप्ट करना है या सुपर स्क्रिप्ट करना है पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सुपर स्क्रिप्ट करना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन, एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो वाला जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर उठ जाएगा। और जब सबस्क्रिप्ट करना होगा तो आपको कंट्रोल और इक्वल का साइन प्रेस करना है। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट वो पाव में चला जाएगा, शिफ्ट नहीं दबाना है। ठीक है, ध्यान रहे इसमें। और एक बात और, आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि कुछ जैसे प्लस का साइन है वो सामने लिखा होता है सर के ऊपर, और एक राइट साइड में भी होता है। फर्स्ट टाइम मैंने भी गलती की थी जब मैं समझा रहा था, जब कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस का साइन मैं राइट साइड से क्लिक कर रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, पर जब मैंने सेम प्रोसेस को जो ऊपर प्लस लिखा होता है ना सामने वहां से किया तब हुआ ये। ठीक है, तो राइट साइड से करेंगे तब नहीं होगा ये। ठीक है, हिंदी में लिखना है इच्छित टेक्स्ट और नंबर को, मतलब जिसको भी सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बनाना उसको चयन करें, और एक ही टाइम पे आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबा देना है, और इसमें कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन दबाना है, बस हो जाएगा काम। नेक्स्ट है व्हाट इज सर्च इंजन या फिर वेब सर्च इंजन। अब देखो वेब सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है सर्च कर सकते हो, ये उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट प्रोवाइड करवा देगा या लिंक प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, आपने कोई सॉन्ग ऑडियो में चाहिए, वीडियो में चाहिए, है ना, या उसके लिरिक्स चाहिए, तो तरह तरह की जितने भी आपकी सर्चेस हैं उनको करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे ए वेब सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन ऑन द www दैट हेल्प यूजर टू लोकेट द वेबसाइट कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस टू सर्च इंफॉर्मेशन। यानी ये एक टाइप का एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो यूजर को हेल्प करेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, या तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा या उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन या लिंक्स प्रोवाइड करता है। और इसके एग्जांपल है google.com या फिर bing.com। हिंदी में लिखोगे वेब सर्च इंजन www पर एक एप्लीकेशन है जो यूजर को उपयोगी जानकारी और ऐसी जानकारी के संदर्भ या रेफरेंसेस वाली वेबसाइट का पता लगाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल वही www.google.com, www.bing.com। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दो पूछे हैं, ठीक है, अलग अलग आंसर्स मैंने किए गए, मतलब सॉल्व किए हैं, आपको जो सही लगेगा वो आपने लिख देना है, सिर्फ दो पूछा है। तो अब चार नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको मतलब एक्सप्लेन करके लिखना नहीं आएगा तो आपने सिंपली हेडिंग लिख देने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखी है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। फर्स्ट प्रॉब्लम है रेजोल्यूशन प्रॉब्लम, यानी उसका हाइट साइज वगैरह वो एंगल सब आपको डिसाइड करना पड़ता है प्रोजेक्टर चलाने के लिए, तो उसका प्रॉब्लम आता है, तो आपने सिंपली हेडिंग लिख देना है रेजोल्यूशन प्रॉब्लम। सेकंड, कॉस्ट टू रिप्लेस बल्ब, यानी उसका जब आप बल्ब वगैरह रिप्लेस करते हैं वो कॉस्टली होता है काफी। ट्रांसपोर्टेशन, अब उस प्रोजेक्टर को जैसे एक जगह पे आपने फिट कर दिया है, अगर एक जगह से दूसरे रूम में या अलग जगह पे शिफ्ट करना हुआ तो उसको शिफ्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। फोर्थ है डिस्प्लेइंग मटेरियल, अब जो भी मटेरियल आप डिस्प्ले कर रहे हैं आपको कॉन्स्टेंट मतलब आपके प्रोजेक्टर पे या तो राइट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, और जिससे मतलब उनके जो पेजेस होते हैं उनको आगे पीछे करने में काफी दिक्कत आता है।
और फिफ्थ पॉइंट है ये एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इससे ज्यादा काम तो हमारे कंप्यूटर पे जो पीपीटी है प्रेजेंटेशन है वो कर देती है। ठीक है, तो ये मतलब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हिंदी में सिंपली लिखने अपने रेजोल्यूशन की समस्याएं, बल्ब बदलने की लागत, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, फिर सामग्री प्रदर्शित करना, देन पुरानी तकनीक, ये लिख देना या पीछे वाला लिख देना हेडिंग। या फिर एक और मतलब पॉइंट लिए मैंने, सेपरेटेड ऑडियो सिस्टम रिक्वायर, यानी एक अलग से ऑडियो सिस्टम चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कोई वीडियो ही प्ले करना है तो उसके लिए आपको मतलब साउंड सिस्टम होना चाहिए। इंस्टॉलेशन कैन बी मोर इन्वॉल्व, यानी सेटअप जो तैयार करना होता है वो काफी डिफिकल्ट रहता है, काफी चीजें वो मांगता है। मेंटेनेंस भी रिक्वायर, यानी टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है। और इस तरह के प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए आपको एक डार्क रूम भी चाहिए, अगर लाइट पड़ रहा होगा तो उसके ऊपर आप क्या दिखा रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकता है देखने में ऑडियंस को। ठीक है, और कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, पावर नहीं है तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अलग ऑडियो सिस्टम की जरूरत है, स्थापना अधिक शामिल हो सकती है, रखरखाव की आवश्यकता, अंधेरे कमरे की जरूरत होती है और बिजली की आपूर्ति की जरूरत बनी रहती है। एडवांटेजेस में आप सिंपली वैसे दो दो पॉइंट लिखेंगे तो काफी हो जाएगा। देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल पिक्चर्स, यानी उसमें आप पिक्चर्स के साइज को काफी बड़ा कर सकते हो। स्मॉलर इमेजेस अ ग्रेट ऑप्शन आल्सो, आप अपने हिसाब से इमेजेस को छोटी भी कर सकते हैं, यानी जब आपको लगे बड़ी इमेज दिखानी है तो बड़ी कर दो, आपको दिखाना है कोई इमेज छोटी दिखानी है तो उसको आप छोटी भी कर सकते हो। ठीक है, कम कॉस्ट पड़ता है, काफी स्पेस आपका बचा देता है और इसको इंस्टॉल करना इजी है। हिंदी में लिखोगे बेस्ट पॉसिबल पिक्चर साइज आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इमेजेस को छोटी करके भी दिखा सकते हो, कम लागत है, आपका स्पेस बचाता है और इसको इंस्टॉल करना इजी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू डिजिटल स्क्रीन, यानी कोई दो डिजिटल स्क्रीन्स, तो इसमें मैंने दो ली हैं मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम वही देखेंगे। मे बी आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एलसीडी स्क्रीन या प्लाज्मा टीवी को एक्सप्लेन करो, तो वही लिखा है मैंने। तो पहले हम एलसीडी देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलसीडी इज अ फ्लैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरली यूज एज अ स्क्रीन इन द टेलीविजन कंप्यूटर स्मार्टफोन डिस्प्ले साइन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिल एंड मूवेबल इमेज, यानी ये एक फ्लैट स्क्रीन होती है जिसको हम यूज करते हैं अपने टेलीविजन कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स में। और कई बार आपने बड़ी बड़ी मॉल्स या शॉप्स में देखा होगा कि एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है और उसमें कुछ इमेजेस या टेक्स्ट मूव कर रहे होते हैं या फिर खड़े रहते हैं, मतलब स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को दिखाने के लिए हम एलसीडी का यूज करते हैं। एलसीडी प्रोवाइड बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड सपोर्ट फॉर लार्ज रेजोल्यूशन, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखाता है ये और ज्यादा रेजोल्यूशन भी ये प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखो, एलसीडी इज अ थिन फ्लैट पैनल यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट इमेज एंड मूविंग पिक्चर्स, यानी ये एक थिन और फ्लैट पैनल है जिसका यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। और वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, या कोई मूविंग पिक्चर्स हो सकती है। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है या टाइम टू टाइम लेफ्ट टू राइट रोटेट हो रही है। ठीक है, तो उस तरह के काम के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इट्स यूजेस इंक्लूड मॉनिटर फॉर कंप्यूटर्स, टीवी, इंस्ट्रूमेंट पैनल, गेमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा, यानी इन सब में भी हम एलसीडी का यूज करते हैं। हिंदी में लिखोगे, इसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जो आमतौर पर टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही हम इसका यूज मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के जो स्क्रीन होते हैं उनके तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट लिया हमने प्लाज्मा टीवी, इसके लिए आप लिखोगे ये एक टाइप का एचडी टीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मा टीवी सीआरटी का ही विकल्प है, यानी जो पहले सीआरटी टीवी होते थे कैथोड रे ट्यूब का जो यूज करते थे, ये उसी का एक अलग ऑप्शन है, यानी हम इसकी मतलब यहाँ पे सीआरटी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग बहुत बड़े टीवी डिस्प्ले में किया जाता है, लगभग 30 इंच या इससे ज्यादा, यानी बड़े बड़े डिस्प्ले को शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे करते हैं लाइक 30 इंच या फिर इससे ज्यादा।
और इसमें हम काफी ज्यादा छोटे छोटे पिक्सल्स यूज करते हैं जिनमें रेड ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। और प्लाज्मा की डिस्प्ले जो है एकदम फ्लैट होती है, जिसके कारण आप इसको दीवार पे कहीं भी लगा सकते हो। जो सिंपल टीवी होते हैं ना, उनके मुकाबले इसका साइज कम कम होता है, वजन कम होता है और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं ये। सो इंग्लिश में आप लिखोगे प्लाज्मा टीवी, और प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ टाइप ऑफ एचडी टीवी। प्लाज्मा टीवी इज एन अल्टरनेटिव टू सीआरटी, राइट? इट इज यूज्ड इन वेरी लार्ज टीवी डिस्प्ले अबाउट 30 इंचेस एंड अबव, यानी इसका यूज हम बड़ी स्क्रीन्स में करते हैं लगभग 30 इंच से ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पिक्सल्स, काफी ज्यादा छोटी छोटी पिक्सल्स को बना के यूज करके बनाई गई होती है, और ये रेड ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया जाता है इसमें। और ये जो प्लाज्मा डिस्प्ले होती है काफी फ्लैट होती है, जिसके कारण इसे इजीली दीवार के साथ हम अटैच कर सकते हैं। इट्स वेट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी टीवी, यानी ऑर्डिनरी टीवी से इसका वेट काफी कम होता है, जिसके कारण ये अट्रैक्टिव दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैर। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी ऑपरेटेड इन लेस रेंज ऑफ एरियाज, यानी जहां पे मतलब कम एरियाज में हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इट इज अ स्लो डाटा ट्रांसफर, यानी कम स्पीड से ये डाटा को ट्रांसफर करता है। इट इंटरफेस विद रेडियो सिग्नल्स, यानी इंटरफेस करने के लिए रेडियो सिग्नल्स का यूज करता है। पैन हैज अ लिमिटेड रेंज, यानी इस नेटवर्क की रेंज कम होती है। डिवाइस आर नॉट कंपेटेबल विद ईच अदर, यानी जो डिवाइसेस है मतलब जब पैन नेटवर्क बनाते हैं तो कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते प्रॉपरली, ठीक है, कंपैटिबिलिटी लेवल कम होता है उनमें। इंफ्रारेड सिग्नल्स ट्रेवल ओनली इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी जो इंफ्रारेड सिग्नल्स का ये यूज करते हैं, ये रेडियो सिग्नल्स का जो यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। और इट कैन ओनली बी यूज फॉर पर्सनल एरिया, यानी ये पर्सनल पर्पज या पर्सनल एरिया के लिए ही इसको यूज किया जाता है। हिंदी में लिखोगे इसे कम क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है, यानी कम एरिया में आप इसको यूज करोगे। डेटा ट्रांसफर इसका स्लो है, रेडियो संकेतों के साथ इंटरफेस करता है। इसकी जो मतलब लिमिटेशन, इसकी जो बाउंड्री होती है वो कम होती है, रेंज रेंज कम होती है इसकी, और डिवाइस एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं भी हो सकते, ठीक है, संगत नहीं है, मतलब कंपैटिबिलिटी कनेक्ट नहीं हो पाते कई बार। इंफ्रारेड सिग्नल्स केवल एक सीधी रेखा में यात्रा, मतलब ये जो सिग्नल्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और इसका उपयोग हम केवल पर्सनल एरिया के लिए ही कर सकते हैं। अब देखिए यार, आपने सारे तरह के नेटवर्क पढ़े हैं। लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है, उससे थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो मैन नेटवर्क होता है, और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं हम वैन। बट जो पर्सनल यूजेस के लिए डाटा को जब हम कनेक्ट करते हैं, लाइक हम अपने फोन को ब्लूटूथ के द्वारा अपने हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, या इवन जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं लाइक ब्लूटूथ के जरिए, तब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही यूज करते हैं। तो उसी के रेफरेंसेस में ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। हमारा अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो है, व्हाट इज क्लिप आर्ट, राइट स्टेप टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। अब देखो, क्लिप आर्ट बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स या इमेजेस होती हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, चाहे आपके कंप्यूटर सिस्टम से या फिर ऑनलाइन, ठीक है। सो क्लिप आर्ट पिक्चर्स और इमेजेस का एक कलेक्शन है, जिसे किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट लाइक पेंट हो गया, और सॉरी डॉक्यूमेंट मेरा बोलने का मतलब अन्य प्रोग्राम, यानी जैसे पेंट हो गया, तो पेंट में भी हम कहीं और से पिक्चर्स लगा सकते हैं। आप एमएस वर्ड में ये सब कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे क्लिक करें, फिर ऑनलाइन जो इमेजेस है वहां पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो भी आपको सर्च करना है उससे रिलेटेड कोई वर्ड लिखे या फिर कोई सेंटेंस लिखे, ठीक है।
और क्लिप आर्ट के लिए टाइप करके परिणामों को फिल्टर करें, यानी अपने हिसाब से फिल्टर लगाइए और जो भी पिक्चर्स आपको सही लगती है उसको क्लिक करिए और फिर इंसर्ट दबाना है और पिक्चर्स आपके डॉक्यूमेंट पे पेस्ट हो जाएगा। इंग्लिश में लिखोगे क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट कैन बी इम्पोर्टेड इन टू अ डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट में आप बाहर से कोई इमेज या पिक्चर्स लगा सकते हो, चिपका सकते हो। ठीक है, स्टेप्स में लिखोगे पहले सेलेक्ट इंसर्ट पे जाना है, फिर ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करोगे, देन टाइप ए वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देन प्रेस एंटर, यानी जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड वर्ड लिखो या सेंटेंस लिखो, फिर फिल्टर द रिजल्ट बाय टाइप फॉर क्लिप आर्ट, यानी क्लिप आर्ट यूज करके आपको फिल्टर करना है आपका सर्च, फिर पिक्चर सेलेक्ट करें और लास्ट में यहाँ पे छूट गया है, लास्ट में आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और आपका पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपके 5 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।